दोस्तों हम सभी जानते हैं कि धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इसी पानी में छोटे से छोटे जानवर से लेकर बेहद बड़े बड़े जानवर तक पाए जाते हैं, जिनमें से काफी जानवरों के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी पानी के अंदर कुछ ऐसे जानवर मौजूद हैं जिनके बारे में हम आज तक भी नहीं जान पाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पानी के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे ही अनोखे जीव जंतुओं के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्लावर हॉर्न फिश, ये फिश जिसे आप अभी देख रहे हैं, इसे फ्लावर हॉर्न फिश के नाम से जाना जाता है, जिसे आप में से अभी तक बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये एक मानव निर्मित फिश है। जी हाँ, इस फिश को वैज्ञानिकों ने दो फिश ब्रीड को क्रॉस करके बनाया है, जिन्हें थ्री स्पॉटेड स्किल और रेड डेविड स्किल के नाम से जाना जाता है। ये फिश सबसे पहले मलेशिया में पाई जाती थी, जो की अपने खास सिर की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुकी थी, जिस वजह से मलेशिया के बाद एशिया के काफी देशों में मछली काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और चाइना जैसे देशों में इस फिश को काफी ज्यादा लकी भी माना जाता है, जिस वजह से काफी लोग इसे अपने घरों में पालना पसंद करते हैं और ये फिश सच में ही बेहद यूनिक है। सरकास्टिक फ्रिंज हेड, अब जिस फिश को हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे बेहद ही कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये फिश है ही इतनी रेयर, जो कि सिर्फ पैसिफिक ओशन, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को जैसी जगहों पर ही पाई जाती है। ये फिश अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से काफी ज्यादा स्पेशल मानी जाती है। इन फिश का फेस इतना ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये अपने से ज्यादा बड़े जानवर को भी अपना शिकार बना सकती है। ये मछली अपना बड़ा मुँह सिर्फ अपने शिकार के लिए या फिर गुस्सा आने पर ही खोलती है। वैसे तो इस मछली को आमतौर पर देखा जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर फिर भी आपका इससे कभी पाला पड़ जाए तो इससे दूर ही रहना। मैनेटी, दोस्तों आपने सी एलिफेंट और सी लायन के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सी काओ के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको सी काओ ही दिखाने वाले हैं। मिलिए सी काओ से, जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देती है और ये समुद्र के सबसे बड़े जीवों में से एक भी मानी जाती है। अगर इसके साइज की बात करें तो ये लंबाई में लगभग 4 मीटर और वजन में लगभग 600 किलोग्राम तक बढ़ सकता है, जो कि वेस्ट अफ्रीका और मेक्सिको जैसे देशों में पाई जाती है। अगर इनके नेचर की बात की जाए तो ये नेचर में बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, जिनके साथ आप स्विमिंग आराम से कर सकते हैं। और अगर इनके खाने की बात की जाए तो ये खाने में बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, जो कि सिर्फ पत्तियां ही खाना पसंद करते हैं। पेलिकन ईल, अभी आप जिस ईल को देख रहे हैं उसे गल्पर ईल या फिर अम्ब्रेला ईल के नाम से भी जाना जाता है। इसे देखकर ही आप समझ चुके होंगे कि इसका नाम अम्ब्रेला ईल क्यों रखा गया है। जी हाँ, इसका ये नाम इसके बड़े से मुंह की वजह से ही रखा गया है, जो कि नॉर्मल फिश से काफी ज्यादा बड़ा है। ये फिश समुद्र की गहराइयों में रहना पसंद करती है, जो कि सिर्फ अपने शिकार के लिए ही यहाँ वहाँ ट्रैवल करती है। अगर बात करें इनके शिकार करने के तरीके की, तो ये शिकार करते समय अपने मुंह को एक बलून की तरह फुला लेती हैं, जिसकी वजह से शिकार इनके मुंह में आसानी से फंस जाए और इसी की वजह से इन्हें काफी ज्यादा खास भी माना जाता है। तो इसी खास ईल के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दे। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सी क्रिएचर की तरफ, डम्बो ऑक्टोपस। इसका डम्बो नाम सुनकर आप इसे सच में डम्बो मत समझ लेना। दरअसल इस जीव का नाम डिज्नी के कार्टून कैरेक्टर डम्बो से लिया गया है। दिखने में ये बेहद ही क्यूट होते हैं, जो कि क्यूट होने के साथ साथ बेहद ही ज्यादा रेयर भी होते हैं, क्योंकि ये समुद्र की गहराइयों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर इंसानों का जा पाना काफी मुश्किल है। इसीलिए इसे नजदीक से देखने के लिए लोग समुद्र में रिमोट कंट्रोल गैजेट भेजते हैं, जिसकी वजह से इसे नजदीक से देखा जाए और इसके बारे में और भी ज्यादा जाना जाए। ये दिन में अपने शिकार के लिए समुद्र के बॉटम में घूमते हैं। तो इस क्यूट से जानवर के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करते चले। सी रॉबिन, इस फिश को इसके यूनिक शरीर की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो कि इंडियन पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। इस फिश की खास बात है कि ये अपने पैरों से सभी जगह ट्रैवल करती है और इसी फिश की 50 प्रजातियां समुद्र में और पाई जाती हैं, जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर होती हैं।
इस फिश के पैरों के साथ साथ इसके पंख भी होते हैं जो कि किसी पक्षी की तरह दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से ये काफी ज्यादा यूनिक दिखाई देती हैं। सी हॉर्स। सी हॉर्स को अपने विशेष आकार की वजह से काफी आसानी से पहचाना जा सकता है, जो कि पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। इनकी प्रजाति में कई कलर के सी हॉर्स देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से ये बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन जीवों को पेट नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ता है। इन हॉर्स में फीमेल अंडे देने के बाद उन्हें मेल के पाउच में रखती है, जिनके हैच होने तक मेल सी हॉर्स ही इनकी देखभाल करता है, और हैचिंग के बाद बेबी सी हॉर्स कुछ इस तरह से पाउच से बाहर निकलते हैं। ये नज़ारा वाकई देखने में अद्भुत है। स्किल्ट। ये फिश जो आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले अफ्रीकन ग्रेट लेक में पाई जाती थी, लेकिन ये बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से ये आम लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और अब ये दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। इन फिश की खूबसूरती की बात करें तो इनमें बेहद खूबसूरत कलर पाए जाते हैं, जिनमें 1600 तक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये फिश सच में ही बेहद नायाब है और काफी लोग इन्हें अपने घरों के फिश टैंक में पालना भी पसंद करते हैं। अगर आप भी इसे अपने फिश टैंक में पालने का सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये मछली अपने साथ किसी और प्रजाति की मछली को रखना पसंद नहीं करती और बहुत ही जल्दी ट्रिगर हो जाती है। एक्सोलोटल। चलिए अब आपको दिखाते हैं अगले फिश, जिसे मैक्सिकन वॉकिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सालामेंडर की प्रजाति से बिलोंग करती है, जो कि काफी क्यूट नजर आते हैं। इनके छोटे छोटे पैर जो आप देख रहे हैं, इन्हीं की वजह से ये पानी की सतह पर चल पाते हैं। इनके इतने क्यूट होने की वजह से इन्हें क्यूटेस्ट ओशन क्रिएचर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से काफी लोग इन्हें अपने घरों में एज अ पेट पालना भी बेहद पसंद करते हैं, जिनके फेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये स्माइल कर रही हो, जो कि सच में बेहद ही अनोखा है। ब्लॉब फिश। ये फिश जो आप देख रहे हैं, इसे ज्यादातर समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे डीप सी फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली पानी में 4000 फीट की गहराई पर रहना पसंद करती है, जहां पर पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। ये फिश ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड में पाई जाती है। अगर आप इनके चेहरे को देखेंगे तो इनका चेहरा बाकी फिश से थोड़ा अलग होता है, जिसकी वजह से काफी लोग इन्हें अगलेस्ट फिश भी बुलाते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सही बात है, क्योंकि कुदरत की बनाई हुई किसी भी चीज को बदसूरत कहना सही नहीं है। अगर आप भी हमारी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।